तुसी अंदाजा फरमाओ मुल्क दे हालात। पेट्रोल आई साहब किन्ने रुपए हो गया? 235 रुपए। किन्ने हूं तो तुम ना लै लगे भी डरते हो किन्ने रुपए है सब कह सारे ते परेशान हर बंदा। और 235 रुपये पेट्रोल हो गया। असा समझिया सी चलो खान साहब तशरीफ लै गन, उम्मीदा ते खान साहब ते भी लोगों नू बड़िया सन, पर ओ अपने अंदाज ना जो कर गया। लेकिन इस मौजूदा हुकूमत सानू बड़िया उम्मीदा सन, लोग आंदे सन शहबाज शरीफ साहब आन गए हालात बदल जान गए, मियाँ साहबान आ जान गए मुल्क हालात बेहतर हो जाएंगे। और ये पहले आते भी सिरे निकले ने। और जिस मुल्क नू इस वक्त जिस तबाही दे किनारे ते ना पहुंचा देता है, और अल्लाह ही हाफिज़ है, तो आ करो साडे मुल्क दे हाल ते अल्लाह रहम फरमा दे। गरीब बंदा और पीस रहा बेचारा जुलम दी चक्की अंदर। मैं देख रहा सा फेसबुक से कि गरीब रक्शे चलान वाले उन्हें चौका च रक्शे खड़े करके आग ला के साड़ देता है कि की करिए अपने बच्चों वास्ते कमा के की ले जाइए। और इस मौजूदा हुकूमत ने जुलम की इंतहा कर दी है। और इन्ना इस कदर लोगों ने परेशान किया है, तुसी अंदाजा फरमाओ पेट्रोल कितने चला गया और डीजल कितने चला गया। और जेड़ा हुण तक 200 रुपए 150 रुपए असां को लैके खांदे रहे ओदी कीमत आसमाना नू लग गई है। और एक चीज का रेट गौरमेंट बधांदी है, अगो साडी कौम का भी अल्लाह ही हाफिज़ है। ये फिर हर अंदाज ना ये आंदे ने असां कोई कसर ना छड़िए। आए हुक्मरान जाओ, मैं तुहानू रब दा वास्ता दे के अपील करना, इन्ना गरीब आवाम ते जुलम ना करो, इन्ना गरीबां दिया बद्दुआवां ना लवो, इन्हां गरीबां कोलो दुआवां लवो और इन्हां गरीबां दा साथ दिओ। अगर इन्हां ते तरस खाओगे रब तुहाडे ते रहम फरमा देवेगा। जुलम दी इंतहा है, ज़ियादती दी इंतहा है। इन्हां हुक्मराना ने मुल्क नू तमाशा बना लिया। खुदारा खुदारा हुक्मरानो मैं रब का वास्ता दे के तुहानू अपील करना, तुहाडे अपने नखरे बर्दाश्त नहीं होंदे। और जिन्ने सरकारी महकमे दे अफसरान ने जिन्ना दे तेल फरी ने उन्हां दीआं रिहायशां फरी ने, और जेड़े इन्हां नू प्रोटोकॉल एक जनाब मुल्क का लीडर जा रहे हैं, 40 गड्डियां उहदे अगे जान रहीआं ने, 20 गड्डियां पिछे जान रहीआं ने, और तुहाडे प्रोटोकॉल नहीं संभाले जांदे। और कौम इधर जुलम अंदर, और कौम महंगाई की दलदल के अंदर काबू आ चुकी है। रब का वास्ता दे, इस कौम के हाल से रहम करो। की जुलम करना चाहते हो, की ज़ियादती करना चाहते हो, दुआ करो अल्लाह सानू नेक ते साले हुक्मरान अता फरमा दे। अल्लाह करे कोई मुहम्मद खान और अल्लाह दा कोई वली आके सलाहुद्दीन अय्यूबी इन्हां नू जगा देवे, और कोई मुहम्मद बिन कासम आके इन्हां नू झंझोड़े। और हुक्मरानो खुदा दा वास्ता दे, जेड़े काम करन वाले ने वो तुसा नहीं कर रहे। और इधर चंद दिन पहला इंडिया के अंदर मेरे मुस्तफा अलैहि सलाम दी तोहीन हुई है, साडे हुक्मराना दे कन ते जू तक नहीं रेंगदी है। हाला इन्हां नू चाहीदा है उन्हां दे सफीरां नू मुलक बदर कीता जाए, करना चाहिए कि नहीं? उन्हां दीआं सारीआं चीज़ां दा बाइकाट करना चाहिए कि नहीं? बाइकाट करना चाहिए। साडे पैगंबर दी अजमत अंदर उन्हां तोहीन कीती है। और जेड़े काम करन वाले ने और साड़ी गौरमेंट करन नहीं दई, और जो नहीं करने वाले कौम दा ख्याल रखना, आवाम दा ख्याल रखना। लेकिन इन्हां गरीबां ते जुल्म ते ज़ियादतियां कीतियां जा रही ने। अल्लाह करे कोई रब दा वली ऐसा आ जाए कि जेड़ा इस मुल्क दा खैर खा होए, इस आवाम दा खैर खा होए।
अल्लाह करे कि अल्लाह कोई ऐसा हुक्मरान सानू अता फरमा देवे और किताब सुन्नत समझ के अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमा देवे।